हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक आयुष काउंसलिंग 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम कर्नाटक आयुष काउंसलिंग की आज बात करेंगे। तो दोस्तों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। तो जो कर्नाटक की जो आयुष काउंसलिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, जो कर्नाटक की आयुष काउंसलिंग वेबसाइट थी उसके ऊपर आज नोटिस आ चुका है और शेड्यूल भी आ चुका है, काउंसलिंग शेड्यूल जो कि कर्नाटक का रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार शेड्यूल पूरा बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो शेड्यूल है वो एडमिशन के लिए है, आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 फरवरी तक रहेंगे रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू आउटसाइड कर्नाटका कैंडिडेट्स, ये रहेंगे 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक। उसके बाद में ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू कर्नाटका कैंडिडेट्स, ये रहेंगे 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक। फिर उसके बाद में जो सीट मैट्रिक्स होगा फर्स्ट राउंड का, वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके सामने 1 फरवरी को। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल वेरीफाइड लिस्ट ऑफ न्यूली अपलोडेड कैंडिडेट्स, ये रहेगा आपको 4 फरवरी को। उसके बाद में अपलोडिंग ऑफ इनसफिशियंट डॉक्यूमेंट्स इफ एनी, ये रहेगा 4 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक। उसके बाद में डाउनलोडिंग ऑफ वेरीफिकेशन स्लिप, ये रहेगी आपको 5 फरवरी को। उसके बाद में एंट्री ऑफ ऑप्शंस, ये रहेगा आपके सामने 6 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक। उसके बाद में हम बात करते हैं मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ये आएगा 9 फरवरी को। उसके बाद में आफ्टर वेरीफाइंग द मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट्स, कैंडिडेट आर फ्री टू चेंज एंड रीऑर्डर, डिलीट एंड एड टू देयर चॉइसिस ऑफ कोर्स कॉलेजेस एज पर देयर प्रेफरेंस, ये रहेगा आपको 9 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक। फिर उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट, ये आ जाएगा कर्नाटका की आयुष काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा 11 फरवरी को। उसके बाद में एक्सरसाइजिंग चॉइसेस बाय द सीट्स अलॉटेड कैंडिडेट्स इन द कंसल्टेशन विद देयर पेरेंट्स, ये रहेगा आपको 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। उसके बाद में पेमेंट ऑफ फीस बाय चॉइस वन कैंडिडेट्स, ये रहेगा आपको 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग रहेगी अलॉटेड कॉलेजेस के अंदर, वो रहेगी आपको 16 फरवरी तक। उसके बाद में दोस्तों, जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट है वो बाद में आ जाएगा कर्नाटका की आयुष काउंसलिंग वेबसाइट पर। और दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके से अपडेट रहना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @BingDoctorNeet पर ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।